दिल्ली में केदारनाथ मंदिर और केदारनाथ धाम में सोने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि इस बीच केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत ने एक नया मुद्दा उछाल दिया है। उन्होंने राज्य सरकार पर चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन के नाम गुजरात की एक बड़ी कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। पूर्व विधायक ने कहा कि चारों धामों में रजिस्ट्रेशन को लेकर विरोध के स्वर उठ रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि उस कंपनी को हटा दे, क्योंकि इसके पीछे गुजरात की बड़ी राजनीतिक पैठ है, जिसकी वजह से सब चुप ही साधे हैं। आजमगढ़ में दिल्ली पुलिस का फर्जी दरोगा बताकर बेरोजगारों से ठगी करने वाले शख्स को पुलिस ने उसके पैतृक गांव से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने जोहानागंज थाना क्षेत्र के बेरोजगार युवकों से 9 लाख रुपए नौकरी लगवाने के एवज में लिए थे। पुलिस ने आरोपी के पास से कार समेत कई फर्जी अभिलेख भी बरामद किए हैं। कानपुर में होटल के कमरे में प्रेमी और प्रेमिका के बीच हुए विवाद थाने तक पहुंच गया। प्रेमिका ने कल्याणपुर थाने पहुंचकर प्रेमी पर रेप और मारपीट करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले की जांच में जुटी है। बता दें, दोनों प्रेमी प्रेमिका के बीच पिछले 3 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा है। सावन के दूसरे सोमवार को कानपुर के प्राचीन कैलाश मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं कैलाश मंदिर का शिवलिंग दरवाजे से बड़ा होने के बावजूद हुआ स्थापित, तो यूं तो शहर में कई प्रसिद्ध शिव मंदिर हैं, पर ये रहस्यमय और इसकी विशेषताओं से भरा हुआ है। सफेद संगमर से निर्मित इस मंदिर में 7 फीट लंबा और 5 फीट ऊंचा शिवलिंग है, यानी यह उस दरवाजे से भी बड़ा है जिस दिवाले से इसे स्थापित किया गया है। शिवलिंग का व्यास इतना है कि दोनों हाथों से कोई अंगीकार नहीं कर सकता। दावा है कि ये उत्तर भारत का सबसे विशाल शिवलिंग है। मान्यता है कि नियमित 21 सोमवार को जल चढ़ाने से सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। गाजीपुर में सांसद अफजल अंसारी को हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद परिजनों में खुशी का माहौल है, जिसके बाद अफजल के भाई पूर्व विधायक शिवंगत उतुल्ला अंसारी का बयान आया। उन्होंने कहा कि सभी को मुबारकबाद, ये इंसाफ की जीत है, हाईकोर्ट ने इंसाफ कर दिया है, दूध का दूध और पानी का पानी किया है। मैनपुरी प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिले की कई सरकारी गाड़ियों, DMSP, ADM, ASP, SDM सहित जिले के लगभग 100 गाड़ियां अनफिट पाई गई हैं। RTO विभाग सहित जिला प्रशासन भी सरकारी गाड़ियों की फिटनेस नहीं कराता है। बिजनौर के थाना शेरकोट के हरेबली तेराहे के पास तेज रफ्तार कार और बाइक की आमने सामने भयंकर टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार और बाइक को अपने कब्जे में लेकर घायल को अस्पताल भिजवाया। रुद्रप्रयाग में 2 दिवसीय जनपद भ्रमण पर पहुंचे उपाध्यक्ष राज्य आपदा प्रबंधन विनय रोहेला ने दूसरे दिन विकास भवन में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर जनपद में आपदा प्रबंध के लिए किए जा रहे कामों और राहत और बचाव के बारे में समीक्षा की। जालौन में DMSP ने RTO कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। कार्यालय के एक पटल पर फाइलों की ज्यादा संख्या देख DM ने नाराजगी जाहिर की। DM ने RTO को कर्मचारी की ID तुरंत जारी कर लंबित फाइलों को निस्तारण के निर्देश दिए हैं। अम्बेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में आपसी विवाद में युवक पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया गया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। यूपी सरकार ने एक्शन लेते हुए जर्जर पुलों को चिन्हित करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग उन्नाव के अफसरों ने 22 पुराने पुलों को चिन्हित कर शासन को रिपोर्ट भेजी थी, जिनमें से शासन के निर्देश पर TPWD जर्जर हो चुके 4 छोटे पुलों को ध्वस्त करेगा और नए पुलों को बनाएगा।